अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बैंगन और अरवी पकाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इन बैंगनों के छिलके उतार लिए हैं। देखिए, आपको ये बता देती हूँ कि ये कैसे बैंगन का छिलका उतारना है, ताकि वो बच्चियाँ जिनको आइडिया नहीं है कि कैसे बैंगन का छिलका उतारते हैं, उन्हें पता चल जाए। ये देखिए, अब इसका जो असल तरीका है काटने का, वो असल में तरीका है कि इसको कैसे काटते हैं। अब इसको हम इस रुख पे काटेंगे। देखिए, ये स्लैंटिंग वे में। बचपन में मेरी अम्मी ऐसे काटती थी और इससे पक्के ये खूबसूरत लगता है। आप हमेशा याद रखें कि कटिंग का भी खास तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर में काट देते हैं, उस तरह ये प्यारी नहीं लगती है। जब ये पक जाता है, इसको इस तरह स्लैंटिंग वे में काटना है और साथ ही इसको पानी में डाल देना है। अब मैं ये सारे बैंगन इस तरह कर लूँगी। ये 2.5 किलो बैंगन है। अब इसमें 1.5 किलो अरवी जाएगी। तो अरवी के छिलके मैं आपको बता देती हूँ, चाइनीज अरवी है, चाइनीज अरवी। और ये देखें, इसके छिलके हम इस तरह उतारेंगे। अगर ये बड़ी है अरवी, तो हम इसको 2 हिस्सों में कर देंगे और इसको पानी में छिलके उतार के ऐसे 2 हिस्सों में करके इसको पानी में भिगो देंगे। देखिए, हम लोगों ने जो अरवी बैंगन बनाने थे, तो 2.5 किलो जो है बैंगन के लिए हमने ये तकरीबन 3 प्याज लिए हैं। ये 3.5 लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि छोटे हैं तो हमने इसके लिए 3.5 कर लिए हैं, ठीक है। और हम इसमें 3 बड़े टमाटर डालेंगे। देख लें, अगर छोटे हैं तो 5, अगर बड़े हैं तो 3। सर, अब हम चॉपर में जो है अपने प्याज को चॉप करेंगे। अब हमने इसमें ऑयल थोड़ा ही लेने, हम तकरीबन जो है 1/2 कप ऑयल लेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने देखे प्याज जो है वो इस कंडीशन में किया था, तो हम इसमें प्याज डालेंगे। और इसको पिंक करेंगे। ये देखिए, हमने प्याज कर दी है। अब हम इसको जो है लाइट ब्राउन समझते हैं, लाइट ब्राउन करेंगे। फिर इसमें हम चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। देखिए, अब हम टमाटर जो हैं उनको चॉप करेंगे। एक तरफ हमारे प्याज हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम टमाटरों को चॉप करेंगे। ये देखिए, देखिए ये अब जो है लाइट ब्राउन हो गया है प्याज हमारा, बहुत प्यारा। अब इसके अंदर हम टमाटर जो चॉप किए हुए थे 3, वो डाल देंगे। अब इसको हम भुनेंगे। इसके अंदर हम जो है वो नमक मिर्च डालेंगे। नमक हमने इसके अंदर जो है वो 1.5 टीस्पून डाल दिया। मिर्च जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून डालनी है। ये छोटी टीस्पून है, तो इसलिए मैं 1.5 डाल रही हूँ। और
तकरीबन हाफ टी स्पून हल्दी डालनी है बस। अब हम इसको भूनेंगे, जब ये भून जाएगा तो हम इसमें बैंगन डाल के आपको बताएंगे कि कितना पानी डालना है और फिर हम इसको दम लगा देंगे। ठीक, ये भूनता रहे, भून के आपको दिखाते हैं। देखिए हमने प्रेस्टो में बैंगन डाल दिए थे, अब हम इसको जो है बंद कर देंगे और इसको पहले तेज़ आंच पे 2 मिनट पकाएंगे। इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला था, बैंगन जब धोए थे तो उसके साथ पानी था। और 2 मिनट के बाद हम जो है 5 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, 2 मिनट तेज़ आंच पे, जब तक इसकी विसल चलना शुरू होगी तो फिर हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ठीक, देखिए ये इसको हमने 8 मिनट स्टीम लगाई थी, 8 से 9 मिनट, ये कितनी प्यारा हो गया और इसमें पानी भी नहीं डाला था, ये बैंगनों का अपना पानी है। अब हम इस पानी को खुश कर लेंगे तेज़ आंच पे, ये खुश हो रहे हैं, इसको हमने निकाल लिया है। और अब हम अरवियाँ, क्योंकि ये चाइना से आई होती हैं, चाइनीज़ अरवियाँ ये देर से गलती हैं, पाकिस्तानी अरवियाँ नहीं हैं कि जो जल्दी गल जाएँ, इसलिए देखें हम इसको स्टीम लगाएंगे, पानी में नहीं पकाना, इसको स्टीम लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर हल्का सा मैंने नमक छिड़क दिया और अब इसको हम स्टीम कर लेंगे। जब ये विसल चलेगी तो इसको हम 5 मिनट स्टीम करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे मिक्स करते हैं। देखिए ये अभी स्टीम हो गई थी, हमने बैंगनों में डाल दी है। ठीक है, और अब ये वैसे तो अरवी कम होती है बैंगनों के हिसाब से, लेकिन सबने खानी है तो इसमें आपको अरवी थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि अरवी ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे घर। तो अब इसको मैं 10 मिनट इसमें पकाऊंगी, स्टीम इतनी लगाई थी कि ये टूटे ना, और 10 मिनट ये बैंगनों के साथ भी पके, क्योंकि ये इसका नमक मिर्च इसमें अरवी में रच जाए। अब 10 मिनट बाद हम आपको इसको डिश आउट करके बताते हैं। देखिए ये बैंगन आलू, हमारे बैंगन अरवी तैयार है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, ये हमने आपको डिश आउट करके दिखाई है। इसके ऊपर हमने धनिया स्प्रिंकल कर लिया है, तो ये हमारे अरवी बैंगन तैयार है, खाएं और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और दुआ में बहुत याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।